साप्ताहिक हमजोती शुरू करी नेकपा धनुषा प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में जनकपुर धाम में जन प्रदर्शन के संबंधी समाचार सा। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में नेकपा धनुषा जनकपुर धाम में जन प्रदर्शन के लगाच प्रचंड माधव नेपाल समूह देश भर विरोध प्रदर्शन करबा कार्यक्रम अंतर्गत जनकपुर धाम में सेहो प्रदर्शन कैल गेल। धनुषाक विभिन्न नगर तथा गाम से आयल रैली जनकपुर के रेलवे स्टेशन में जमा भ नगर परिक्रमा के चल। नगर सभा बाद भेल विरोध सभा में शीर्ष नेता सब स्थायी कमेटी सदस्य गणेश साह पूर्व मंत्री रामचंद्र झा यदुवंश झा श्री प्रसाद साह श्रवण लगायत संबोधन के छलाथ। प्रधानमंत्री ओली के ने संसद विघटन अलोकतांत्रिक अमर्यादित आ जघन्य राजनीतिक अपराध भेल कहित विशाल प्रदर्शन कैल गेल। नेता रामचंद्र झा बतौलन विरोध प्रदर्शन में सहभागी प्रधानमंत्री केपी शर्मा आ राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी मुर्दाबाद संसद विघटन कर नहीं भेटतो संघीय लोकतंत्र विरोधी प्रधानमंत्री मुर्दाबाद लगायत के नारा लगाने छल। प्रदेश नंबर दो के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत चूड़े तथा वन जंगल विनाश के निहार पर यथाशीघ्र कार्यवाही कैल जाए प्रतिबद्धता जनौने छन। मंगल दिन बडीवास में आयोजित प्रदेश स्तरीय एक कार्यक्रम में चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के अभियानी सब चूड़े दोहन तथा वन जंगल विनाश कर रहल आ प्रदेश सरकार किछ नहीं केने कहित कार्यक्रम स्थल में विरोध जनौलाक बाद मुख्यमंत्री राउत कार्यवाही के पहल करबाक प्रतिबद्धता जनौने छलथि। प्रदेशक 8 जिलाक वन कार्यालय प्रमुख सब सम्मिलित रहल वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम भ रहल स्थल में अभियानक केंद्रीय संयोजक सुनील कुमार यादव के अगुवाई में वन विनाश भ रहलाक बादो नींद में रहल उद्योग वन तथा वातावरण मंत्री रामनरेश राय यादव के राजीनामाक मांग करैत प्रदर्शन केलाक बाद कार्यक्रम में उपस्थित रहल मुख्यमंत्री राउत दोषी ऊपर कार्यवाही कैल जाय प्रतिबद्धता जनौने छलथि। मुख्यमंत्री राउत वन विनाश के निहार जे क्यों होई ओकरा कड़ा से कड़ा कार्यवाही कैल जाए बतौलथ और राज्य के जे काज करबाक चाही ओ अभियान के ने प्रति धन्यवाद दैत अय विषय में अपना सेहो चिंतित रहल बतौबैत वन मास वाला सबके कोनो भी हालत में नहीं छोड़ल जात बतौलन। मुख्यमंत्री राउत अय के लेल अपने अगुवाई में अनुगमन कैल जेबाक समेत प्रतिबद्धता जनौने छलथि। उद्योग वन तथा वातावरण मंत्री रामनरेश राय यादव अपना ऊपर लागल आरोप निराधार रहल बतौलथ ओ अपना के भ्रष्टाचार करबाक बात में संग्रहता भेटल तो हम राजीनामा देव तैयार रह बतावित बिना प्रमाण आरोप नहीं लगाब कहित अपन दुखरा व्यक्त कलथ। राजा सहित के हिंदू राष्ट्र स्थापनाक मांग करित मंगल दिन राजबिराज में होबे वाला बृहद प्रदर्शन के संयुक्त युवा विद्यार्थी अवरोध केलक जय में निकट राष्ट्र विद्यार्थी संघ कांग्रेस निकट नेवी संघ तथा नेकपा प्रचंड माधव समूह निकट राष्ट्र युवा संघ नेपाल में आबद्ध युवा विद्यार्थी नेता कार्यकर्ता राजावादी पक्षधर सप्तरी समाज नामक संस्था निकाल लागल प्रदर्शन के अवरोध केलक। 3 दिन से भ रहल प्रदर्शन के तैयारी या प्रचार प्रसार बाद राजबिराज स्थित शिव मंदिर परिसर में भिनसर 11:30 बजे दिस सप्तरी समाज नामक संगठन के अगुआ तथा कार्यकर्ता सब झंडा बैनर सहित एकत्रित भ रहल छल। ओही समय संयुक्त विद्यार्थी सप्तरी में आबद्ध राष्ट्रीय युवा विद्यार्थी संघक राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर कुमार यादव राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल केन्द्रीय सदस्य निरंजन झा नेवी संघक जिला अध्यक्ष दानंद यादव लगायत के नेतृत्व में आयल युवा विद्यार्थी हस्तक्षेप क प्रदर्शनकारी अन्य झंडा आ बैनर छीन क डीजल छिट क आग लगा देने छल। उक्त घटना बाद ओ समूह टायर बाड़ कर प्रदर्शन राजा विरुद्ध चरम नाराबाजी समेत केने छल। सप्तरी समाज के नाम द राजावादी सब संविधान विरोधी काज केला के कारण अपना सब हस्तक्षेप के ने संयुक्त युवा विद्यार्थी में आबद्ध विद्यार्थी नेता सब बतौने छ। संविधान में राजतंत्र के व्यवस्था नहीं रहल आ धर्म निरपेक्ष राष्ट्र रहला के कारण अपना सब कार्यक्रम भंग के ने कई ओकर सबक कहब छाक अवरोध गर्नु भएको छ बिथोल्नु भएको छ किन हेर्नु यो देश में संघीय लोकतंत्र गणतंत्र ल्याउनु में युवा विद्यार्थी को अहम भूमिका भएको छ र यही युवा विद्यार्थी को आंदोलन और संघर्ष ले गर्दा यो देश में धेरै व्यक्ति आफ्नो बलिदानी दिए यो जनता को अधिकार को लागि जुन लड़ाई लड़े त्यो शहीदहरु को सम्मान र यो जनता को जुन यो लड़ाईबाट जुन एउटा स्थापित छ संविधान में संघीय लोकतंत्र गणतंत्र को जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसको रक्षा को लागि हामी यो आन्दोलन गरेको छौं र यो प्रतिकार गर्दै छौं जुन संविधान में राजा र हिंदू धर्म निरपेक्ष राज्य हो त्यसमा राजावादी को कुनै मतलब उल्लेखित छैन र राजा को नारा लगाउनु नै यो संविधान को खिलाफ हो र त्यसको तपाईहरुले अवरोध गर्नुभएको छ किन के का लागि हो हामी
संविधान विपरीत गतिविधि करने जो कोई भी हमीर रोक्ने लोकतंत्र गणतंत्र संघीयता को पक्ष में हम आवाज हो। कयौ शहीद को रगत बाट लेखी संविधान विपरीत कसैले गतिविधि गर्छ भने हामी रोक्छौं। संविधान में राजा को व्यवस्था छैन, संविधान में हिंदू राज्य को व्यवस्था छैन। यो हिंदू राज्य र राजा सहित को यदि कसैले कार्यक्रम गर्छ भने स्वाभाविक रूप में लोकतंत्रवादी आफ्नो दायित्व समझेर त्यो कार्यक्रमलाई रोक्ने छ र हामी त्यही अनुकूल हमारा संयुक्त सर्वदलीय युवा विद्यार्थी संयंत्र द्वारा आज को यह कार्यक्रम रोक्ने हमी जमरपुर सहित यहाँ उपस्थित भएका छौं। एमहर राजावादी या हिंदू राष्ट्र पक्षधर सप्तरी समाजक सलाहकार विनोद कुमार पांडे हस्तक्षेप के दुर्भाग्य के संज्ञा दैत संविधान में सब अपन विचार रख पाव पड़वाक व्यवस्था के बावजूद निरंकुश शैली में हमारा सभक कार्यक्रम अवरूद के बतौलन। कार्यक्रम भांग क्याल गेलाक बादो प्रहरी प्रशासन मुख्य दर्शक बनल बतौबत ओ किछुए दिन भीतर पुनः तैयारी के संग कार्यक्रम करब जानकारी समेत देने छन्। संविधान ले सबै नेपाली नागरिकलाई आफ्नो माग र व्यवहार र भने कुरा चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपले प्रश्न गर्नलाई अधिकार दिएको छ। यो अधिकार अन्तर्गत हामीले पनि सप्तरी समाजको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा र हामीलाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि कार्यक्रम राखेका छौँ राखेका थियौँ। अब यसमा केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू र नेताहरू आफै अवसर भएर चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ रोक्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ, विरोध जनाउनु भएको छ। वास्तवमा यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। हामी कुनै पनि प्रकारको टक्राउ चाहँदैनौँ। सबैले आफ्नो आफ्नो माग राखोस् र हामी राख्ने चाहन्छौँ र आगामी प्रोग्राम चाहिँ हामी अगाडि आजै हामी केही भिजन गरेर चाहिँ अगाडि। अहि बीच मंगल दिन सप्तरी समाजक अध्यक्ष राजेश दास सलाहकार विनोद कुमार पांडे की अगुवाई में एक समूह द्वारा जिला प्रशासन कार्यालय में पहुंचकर प्रमुख जिलाधिकारी मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझल गया। ज्ञापन पत्र में शांतिपूर्ण कार्यक्रम में एक पक्ष द्वारा कैल गेल हस्तक्षेप आ प्रहरी प्रशासन के ममता प्रति खेद व्यक्त करैत किछु दिन भीतर जिला में होबय वाला शांतिपूर्ण प्रदर्शन आवश्यक शांति सुरक्षा के व्यवस्था मिलाबय मांग कैल गेल। जनकपुर धामक 12 गोटे सहयोगापेक्षी सड़क मानव के मंगल दिन उद्धार कैल गेल। सड़क मानव के राष्ट्रीय उद्धार कार्यक्रम अंतर्गत जनकपुर धाम पहुंचल मानव सेवा आश्रम हेटोड़ा के टोली जनकपुर धाम से 12 गोटे सड़क मानव के उद्धार कैलक। उद्धार कैल गेल सहयोगापेक्षी सड़क आश्रित मानव मध्य 30 वर्ष 80 वर्ष धरि के ज्येष्ठ नागरिक रहल छथि। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिकाक मेयर लालकिशोर शाह आ उपमेयर रीता कुमारी मिश्र के सहयोग में उद्धार कैल गेल सहयोगापेक्षी सड़क आश्रित मानव के मंगल दिन संरक्षण के लिए बीरगंज आ हरिवन स्थित मानव सेवा आश्रम पठाओल गेल। आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष रामजी अधिकारी बतौलन ओ आई बर्दिवास नगर पालिका में सेहो उद्धार के काज केने तथा बुध दिन रोहतक के चंदिगापुर में कार्यक्रम आयोजन कैल जात बतौलत। सड़क मानव के राष्ट्रीय उद्धार कार्यक्रम अंतर्गत गत पूछ 700 मेथी से शुरू कैल गेल अभियान महाकाली पहुंचकर मार्ग 7 गते संपन्न हेत हुनक कहब छन। अहिले यतिखेर हामी जनकपुर धाम उपमहानगर क्षेत्रमा छौँ र अहिले यतिखेर हामी सहयोगापेक्षी व्यक्तिहरू, सहयोगापेक्षी भनेको बेसहारा अशक्त असहाय अनाथ अभिभावकविहीन भएर सडक पेटी र सार्वजनिक स्थलमा बसेका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय उद्धार गर्ने र मानव सेवा आश्रमको छानामुनि खाना नानाको व्यवस्था गर्ने अभियानमा जुटेका छौँ र यो पुस 7 गतेबाट सुरुवात भयो यो अभियान र अहिले हामी मेची विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1 को सेवा सकेर अहिले हामी 2 नम्बर प्रदेशको सेवामा छौँ। हामीले राजविराज लहान सप्तरी लगायतका ठाउँहरूमा यसको अभियान सम्पन्न गर्दै अहिले यतिखेर हामी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा छौँ र अहिले हामीले यो क्षेत्रबाट 12 जना विभिन्न उमेर समूहका सडक आश्रित मानवहरूलाई उद्धार गरेर यतिखेर लिएर आयौँ हाम्रो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका क्षेत्र परिसरमा। उहाँलाई नुहाई धुवाई खानपिन लगायतका सेवा सकेर अब हामी उहाँहरूलाई मानव सेवा आश्रमको छानामुनि लिएर जान्छौँ। यो जुन भन्नुभयो सडकमा बसिरहेकाहरूलाई तपाईँहरूले त्यो मानव सेवा अन्तर्गत लग्नुहुन्छ र उहाँको ग्यारेन्टी फेरि के छ त्यहाँ गएर राम्रो हुन्छ भनेर? यस्तो रह्यो, अब हामी यतिखेर हामीले 9 वर्ष अगाडि मानव सेवा आश्रम स्थापना गरेर आज 7 प्रदेशको 14-15 जिल्लामा 22 वटा सेवा केन्द्रहरू छन् र आजको दिनमा मानव सेवा आश्रमको छानामुनि 1300 जना अभिभावकविहीन बेसाराहरू आश्रित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको हामीले छोराछोरी भएर भाइ बहिनी भएर सेवा गरिराखेका छौँ र हाम्रो चाहना भनेको कोही मानिसहरू पनि एक छाक खान नपाए।
उधार कैल गेल नागरिक सबके जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका कार्यालय के प्रांगण में जमा क आश्रम के स्वयं सेवक सब सरसफाई आ स्वास्थ्य परीक्षण केने छल त जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका खाना के व्यवस्था मिलौने छल। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह आश्रम के कार्य प्रति कृतज्ञता प्रकट करैत नगरपालिका के सड़क मानव मुक्त बनाबा हम हर संभव सहयोग करब प्रतिबद्धता जनौलथि। जनकपुर धाम धार्मिक ठाम रहल आ एत मौज छुपाबल लेल सेहो मंदिर सब में बास बैस एनिहार सब बहुत रहल बतबैत मेयर शाह एहन किस्म के मानव आश्रम जनकपुर धाम में निर्माण करबाक प्रतिबद्धता समेत जनौने छथि। रामचंद्र अधिकारी जी मानव सेवा केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुमन जी संयोजन कर रहे हैं। 35-40 आदमी जिनका सबके स्वयं सेवक समूह है मेची महाकाली का अभियान छे और प्रदेश नंबर 1 के संपन्न करके प्रदेश नंबर 2 के राजविराज लहानी सब करित उपसा जिला में सब प्रदेश के लिए और पहले समय संपर्क हुई छे इनका सबसे और आवश्यक तत्काल जो सहयोग छे से हम सब कही और एक समन्वय कर के हम सब अपन जनशक्ति ठाम छे और इनका सब जनशक्ति में समन्वय करके ठाम जो चूंकि जे सड़क पेटी में रह वाला लावारिश घर से कोनो कारण से बाहर निकल गेल अथवा निकाल देल गेल शारीरिक रूप से मानसिक रूप से आसक्त अय तरहक मतलब जे लोग सब जे बाहर में रहै छै तिनका सबके जे उद्धार करत के बहुत ही महत्वपूर्ण। आश्रम सड़क मानव पुनर्स्थापनाक लेल चलौनी अभियान प्रशंसनीय रह प्रशंसा के जोगरक रहल कहित मेयर शाह अय पवित्र कार्य में सबके अपन ठाम से सहयोग कर पड़बाक में जोर देने छलथि। कोरोना संक्रमण के कारण लंबा समय से लॉकडाउन भेला से बीरगंज भंसार कार्यालय लीलामी प्रक्रिया आगू नहीं बढ़ोलाक कारण करोड़ों मूल्य बराबर के सवारी साधन नष्ट होइत गेल अछि। दोसर दिस लीलामी से आब वाला राजस्व में समेत ह्रास अवस्था आयल अछि। आर्थिक वर्ष 2076-77 से हाल धरि चोरी पेठाड़ी निकासी में प्रयोग भेल विभिन्न प्रकार के सवारी साधन प्रहरी जब्त क के बीरगंज भंसार कार्यालय में बुझलाक बादो हाल धरि ओ सवारी साधन लीलाम होबय नहीं सकल अछि। आर्थिक वर्ष से हाल धरि प्रहरी मोटरसाइकिल 109 जीप कार वैन 58 ट्रक टिपर पिकअप ट्रैक्टर तथा ढुवानी साधन 49 तीन पहिए सवारी साधन 24 क 440 सवारी साधन बीरगंज भंसार कार्यालय में बुझौनी अछि। मुदा भंसार कार्यालय ओ सवारी साधन लीलाम कर नहीं सकला से रौद पानी में नष्ट होबय लागल बीरगंज भंसार कार्यालय जनौनी अछि। प्रहरी विभिन्न मिति में पकड़ के भंसार कार्यालय में बुझलाक बादो लंबा समय धरि रहल लॉकडाउन के कारण ओ सवारी साधन के मूल्यांकन होबय नहीं सकल स्वीकारित भंसार अधिकृत शैलेन्द्र अधिकारी कहलनि आब स्थिति सामान्य भेला से ओ सवारी साधन के मूल्यांकन प्रक्रिया आगू बढ़ायब। कपड़ा गाड़ी लगा के सामान बाहेक प्रहरी पकड़ के बुझौने सवारी साधन के लीलामी प्रक्रिया नियमित रूप में होबय नहीं सकल अछि। विभिन्न समय में जिलाक विभिन्न ठाम से पकड़ के भंसार में बुझल गेल गाड़ी तत्काल लीलाम नहीं भेला से ओ गाड़ी जीर्ण होइत गेल अछि। अखन तत्काले लीलामी प्रक्रिया आगू नहीं बढ़ल गेल त भंसार में रहल सवारी साधन रौद पानी में सड़ कर गल क आ पाट पुर्जा बिगड़ रहल संबंधित निकाय बतौने अछि। परसा के कालिका माई गांव पालिका के जोन प्रतिनिधि आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के मन पड़ी देखल गेल अछि। स्थानीय सरकार भेला से कार्यपालिका के बैसार से केहनो निर्णय क करबाक सोच जन प्रतिनिधि आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत में देखल गेल अछि। गांव पालिका अध्यक्ष नथुनी प्रसाद कुशवाहा सहित के जोन प्रतिनिधि आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयचंद्र साह कार्यपालिका के बैसार से निर्णय क विपद व्यवस्थापन के रकम से भत्ता के नाम में 1-1 लाख रकम भाग लगौने एक महीना नहीं बीते फिर नियम विपरीत दोसर निर्णय के लिए अछि। गांव पालिका के कार्यालय करीब 25 किलोमीटर दूर सदर मुकाम बीरगंज के बंद कोठली में बैसल कार्यपालिका के बैसार के लिए अछि। बैसार से गांव पालिका के पंजीकरण शाखा में कार्यरत MIS ऑपरेटर आ फील्ड सहायक के मैद थप नहीं कर निर्णय के लिए बुझ में आयल अछि। राष्ट्रव्यापी खुला प्रतियोगिता से सेवा करार में नियुक्त भेल MIS ऑपरेटर आ फील्ड सहायक के मैद थप नहीं कर निर्णय के माइन्यूट में हस्ताक्षर कराब के समय एक कार्यपालिका सदस्य विरोध केला पर इ तथ्य बाहर भेल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में सेहो कोरोना वायरस के नया प्रकार भेटल अछि। भारत के स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय बेलायत से घूरल 6 गोटे में कोरोना वायरस देखल गेल पुष्टि केने अछि। बेलायत से देखल गेल नया प्रकार के कोरोना वायरस के संक्रमित बैंगलोर हैदराबाद पुणे में सेहो देखल गेल।
संक्रमित सबके आइसोलेशन में निगरानी में राखल गेल अछि। संगे संक्रमित के संपर्क में आयल सबके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आगू बढ़ाओल गेल। अधिकारी सब बतौने अछि मंत्रालय के अनुसार पॉजिटिव सैंपल के जीनोम सिक्वेंसिंग के लेल प्रयोगशाला में पठाओल गेल अछि। पिछला महीना में मात्र बेलायत 37,000 यात्रु भारत घूरल छथि, ओहि मध्य 114 गोटे के कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। सन 2020 में समाचार लिखला के कारण कमती में 50 पत्रकार के हत्या भेल। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर आरएसएफ के वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार समाचार लिखला के कारण ओकर सबके हत्या भेल। हत्या कयल गेल मध्य दू गोटे महिला पत्रकार सेहो भेल जनाओल गेल अछि। भ्रष्टाचार अपराध तथा वातावरण विनाश के विषय में रिपोर्टिंग के निहार अधिकांश पत्रकार के हत्या भेल प्रतिवेदन में उल्लेख कयल गेल अछि। सन 2019 में 53 पत्रकार के हत्या कयल गेल छल। एहि बेर ओहि संख्या से कम संख्या में पत्रकार हत्या के घटना भेल अछि। प्रतिवेदन में गेल 10 वर्ष में 937 पत्रकार के हत्या कयल गेल सेहो जनाओल गेल अछि। एहि बीच एहि वर्ष कोरोना वायरस के संक्रमण बाद इजिप्त, रूस आ सऊदी अरब में ककऽ 3 गोटे संचार कर्मी के मृत्यु भेल अछि। बीतल दिसंबर 12 में मात्र ईरान में पत्रकार रूहुल्ला जाम के मृत्युदंड देल गेल छल। हुनका ऊपर देशव्यापी आंदोलन करब प्रेरित केने आरोप लागल छलनि। प्रतिवेदन के अनुसार एहि वर्ष पत्रकार के लेल सबसे असुरक्षित देश सब मेक्सिको, इराक, अफगानिस्तान आ भारत आ पाकिस्तान रहल अछि। अब एकटा खेलकूद समाचार। महोत्तरी जिला के भंगहा नगर पालिका द्वारा 5,00,000 राशि के मेयर गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजन भ रहल अछि। नगर प्रमुख संजीव कुमार शाह या पो 17 गते से प्रतियोगिता संचालन हेत जानकारी दिलनि। ओ ओहि प्रतियोगिताक प्रथम विजेता के 5,00,000, उपविजेता के 1,51,001 रुपया प्रदान कयल जायत जानकारी दिलनि। प्रतियोगिता में काठमांडू, हेटौड़ा, झापा, रूपंदेही लगाय के राष्ट्रीय स्तर में खेल वाला 8 समूह के सहभागिता रहत। सर्वाधिक राशि के फुटबॉल प्रतियोगिता महोत्तरी के इतिहास में पहिल बेर होबय लागल आयोजक जननी अछि। प्रतियोगिता के आवश्यक तैयारी पूरा भ चुकल अछि। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति कदिया जेबाक आज्ञा देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।